मूवी की शुरुआत एक कपल सोफी और विंसेंट से होती है। दोनों मिलकर एक मीट शॉप को चलाते थे, लेकिन बदकिस्मती से शॉप अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी, ना ही ग्राहक आ रहे थे और ना ही पैसे, और ऊपर से सोफी और विंसेंट की पर्सनल लाइफ एकदम भी ठीक नहीं चल रही थी। वो लोग रोज की तरह ही आज भी अपने शॉप पे काम कर रहे थे, तभी ग्रुप विंसेंट के शॉप पे हमला कर देता है, जो लोग वीगन से। दरअसल वीगन वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार के मीट को नहीं खाते और मीट से बने कोई भी सामान को अवॉइड करते हैं। यह विंसेंट वीगन टीम के एक लड़के को पकड़ लेता, उसका फेस देख लेता है और उसे पीट भी रहा था। तभी वहाँ उसके ग्रुप के कुछ लड़के आ जाते हैं जो उसे छुरा के लेके भागते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है सोफी की एक दोस्त होती है स्टेफनी, और स्टेफनी का हस्बैंड मार्क, उनका भी बहुत सारे मीट शॉप थे, इसी कारण से वो बहुत ही अमीर थे और मार्क का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। इसी कारण से वो बीच बीच में विंसेंट और सोफी को बुलाया करते थे और उनके सामने अपनी बड़ाई किया करते थे। आज भी वो लोग मार्क के घर आए हुए थे और मार्क उन्हें अपने पैसे और बिजनेस की शो ऑफ कर रहा था। इसके बाद मार्क विंसेंट को एक गन गिफ्ट करता है, कारण अगली बार जब हमला हो उसके शॉप पे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद वो लोग उनके घर से जाने लगते हैं। यहाँ मार्क और स्टेफनी की ऐसा आराम की जिंदगी देख ये दोनों को बहुत ही जेलसी हो रही थी और इन्हें भी उनकी तरह जिंदगी चाहिए थी। अब जाते हुए उन्हें रास्ते में वही वीगन लड़का दिखाई देता है जिसका फेस उस दिन विंसेंट ने देख लिया था, और विंसेंट इस लड़के के ऊपर आज भी गुस्सा है, इसी कारण से वो उसके ऊपर कार चढ़ा देता है। यह विंसेंट ये सोच के उस लड़के को टक्कर मारा था कि वो थोड़ा सा घायल होगा, लेकिन यह मामला हद से ज्यादा बढ़ जाता है, वो लड़का मर गया था। अब यह विंसेंट उस लड़की की लाश को देख के बहुत ही डर जाता है और वो पुलिस को फोन करने वाला था और कहने वाला था ये सब कुछ एक एक्सीडेंट है, लेकिन सोफी यहाँ विंसेंट को रोक देती है ये कहके अगर हम पुलिस को फोन करेंगे तो उल्टा हम खुद ही फंस जाएंगे। वो लाश को ठिकाने लगाने की बात करती है। इसके बाद विंसेंट घर आ जाता है और उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है, लेकिन जब विंसेंट उसके टुकड़े कर रहा था तभी एक टुकड़ा विंसेंट के डॉगी के सामने जाके गिरता है और डॉगी उस टुकड़े को बड़ी ही मजे से खाता है, और ये विंसेंट देख लेता है और थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और वो पीस डॉगी को इतना टेस्टी लगता है वो विंसेंट से और एक टुकड़ा इशारा करके मांग रहा था। यह विंसेंट उसे एक और टुकड़ा भी देता है और वो बहुत ही मजे से फिर से खा लेता है। इसे देख विंसेंट कुछ आइडिया आता है और वो उस आइडिया को बताने सोफी के पास जाता है। यह रात बहुत ही ज्यादा हो गई थी, इसी कारण से विंसेंट उसे नहीं बता पाता और वो सो जाता है। अगले सुबह विंसेंट थोड़ा देर से जागता है और वही सोफी शॉप को संभाल रही थी, और जब विंसेंट को ये पता चलता है सोफी ने उस ह्यूमन मीट को एक लेडी को अनजाने में ही बेच दिया है, ये सुनके विंसेंट बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ वो लेडी आ जाती है जिसे सोफी ने मीट बेची थी। यहाँ वो लेडी कहती है जो मीट में ले गया था वो बहुत ही टेस्टी है, मुझे वो मीट और चाहिए। यह विंसेंट बेचारा मरता ना क्या करता, कस्टमर आई थी, इसी कारण से वो उन्हें मीट को डरे हुए बेच देता है। इसके बाद विंसेंट उस ह्यूमन मीट को सोफी को भी टेस्ट करवाता है और बताता है ये वही वीगन लड़का का मीट है। ये सुनके सोफी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं जिन्हें भी वो मीट चाहिए था, कारण उस लेडी ने बाहर जाके सबको ये मीट के बारे में कह दिया है। और बहुत दिनों बाद आज विंसेंट की शॉप अच्छे तरीके से चली और उसने बहुत पैसे कमाए, यहाँ तक भी पुलिस वाले भी इस मीट को खरीदे और उन्हें पता भी नहीं चला ह्यूमन मीट को घर ले जा रहे हैं खाने के लिए। यह विंसेंट और सोफी मिलके इस ह्यूमन मीट का नाम इरानियन पोर्क देते हैं ताकि किसी को भी पता ना चले। इसके बाद रात को विंसेंट भी इस मीट को ट्राई करता है और ये मीट विंसेंट को भी बहुत ही टेस्टी लगती है। यह सोफी विंसेंट को आइडिया देती है इस बिजनेस को फिर से ठीक से चलवाने के लिए, जिसके कारण से वो कहती है उन सब वीगन इंसानों को मारने के लिए और उनके मीट को बेचने के लिए। लेकिन यह विंसेंट कहता है ना ही मैं एक सीरियल किलर हूँ और ना ही मैं खूनी, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, जिससे सोफी विंसेंट से नाराज हो जाती है। अगले दिन उनके घर विंसेंट की बेटी अपने बॉयफ्रेंड को ले आती है, और इन दोनों लोगों ने बेटी और जमाई के लिए बहुत सारा खाना भी बनाया था, लेकिन लुकस वीगन था। यहाँ लुकस को मीट ऑफर किया जाता है वो नहीं खाता, उसे केक ऑफर किया जाता है वो नहीं खाता, उसे वाइन भी ऑफर किया जाता है लेकिन वो कहता है मैं वीगन हूँ और मैं मीट से बने नॉनवेज किसी भी चीज को नहीं खाऊंगा। यहाँ विंसेंट की बेटी भी लुकस के साथ रहते हुए वो भी वीगन बनती जा रही थी, ये देख के विंसेंट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। यहाँ विंसेंट अपने वीगन दामाद को देख के बहुत ही गुस्सा था और वो
वीगन लोगों को मारने का इरादा करता है। इसी कारण से वो लोग वीगन लोग को मारने निकल पड़ते हैं। वो लोग एक वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा वीगन इंसान मिलता है। अब जब वो बंदा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहा था, तभी विंसेंट और सोफी भी उसका पीछा लेते हैं और विंसेंट उसे जान से मारने जाता है, लेकिन विंसेंट खुद ही बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसी कारण से वो उसे मार नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। यह दोनों घर की तरफ जा रहे थे और यह सोफी उसे समझाते हुए कहती है, देखो ये शॉप जाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, मैं ऐसे गरीब की जिंदगी नहीं चाहती, ऐसे रोज मर मर के जीना नहीं चाहती, अगर तुम अपना शॉप को सही ढंग से नहीं चला पाए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। ये सुनकर विंसेंट को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो एक नया प्लान बनाता है। वो लोग एक पब्लिक प्लेस में जाके सबको वीगन बनने के लिए कह रहे थे। दरअसल इनका प्लान ये था, कोई वीगन बंदा उनकी बातें सुन के उन पे इम्प्रेस होके उनके पास आ जाए और ये लोग उन्हें कहीं ले जाके मार सके और उसकी मीट को बेच सके। और ऐसा ही होता है, उनकी बातें सुन के एक बंदा इम्प्रेस होके आता है और उन्हें मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। और विंसेंट इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था। वो वहाँ पहुंच जाता है और उस लड़के को मारने ही जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ये लड़का अकेला नहीं था, इसके साथ उसके साथी भी थे। इसी कारण से विंसेंट यहाँ डर जाता है। अब यहाँ ये लोग वीगन्स थे और ये लोग बुचर से, मतलब जो लोग मीट बेचा करते थे, उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, मतलब विंसेंट जैसे लोग। यहाँ वीगन्स ग्रुप के लड़की के पास एक बुचर शॉप की थी। यह सभी लोग भेष बदल के उस मीट शॉप के पास जाते हैं उसे तोड़ने के लिए। और इस शॉप के पास आने के बाद विंसेंट और सोफी को पता चलती है ये शॉप दरअसल मार्क की है। इसके बाद ये लोग शॉप के अंदर चले जाते हैं और शॉप में तोड़फोड़ मचा देते हैं, सभी चीजों को तोड़ने लगते हैं। या मार्क विंसेंट और सोफी को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं उसके शॉप को तोड़ दिया गया है। या पुलिस ऑफिसर उन्हें दिलासा देता है, कहता है आप डरिए मत, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हम इससे बहुत ही जल्दी उनका पता लगा लेंगे और उन्हें ढूंढ लेंगे। यहाँ ये लोगों को सीसीटीवी फुटेज देख के पता चल जाता है इस काम को फिंगर्स ने ही किया था। अब सोफी और विंसेंट एक शॉप में थे, तभी इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है और विंसेंट सोफी को गाली देते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद यहां का वेटर सोफी से आके बातें करने लगता है, उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और यहां सोफी को पता चलती है ये लड़का वीगन है। इसी कारण से सोफी उससे बड़ी ही प्यार से बातें करने लगती है और अपने बातों में फंसा के उसे अपने घर ले आती है। या सोफी उस लड़के को किस करती है और उस लड़के की जबान पे काट लेती है। इसके बाद सोफी उसे सॉरी बोलती है और कहती है अंदर चलो, तुम अंदर खून को साफ कर लेना। या सोफी विंसेंट से कहता है देखो मैंने एक वीगन लड़का घर में लाया है, तुम जाओ उसे मारो। इसके बाद जब विंसेंट बाहर आता है तो वो देखता है वो लड़का बिना कपड़ों के सोफी का इंतजार कर रहा था। ये देख विंसेंट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है और मार मार के मार ही डालता है। इसके बाद दोनों मिलकर उस लड़के के बॉडी को काटने लगते हैं और मीट निकालने लगते हैं। अब ये काम सोफी और विंसेंट का लालच बन जाता है। वो रोज एक नए वीगन को फंसाते हैं और उसे जान से मारने लगते हैं। इसी तरह से उनका शॉप बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगता है और कस्टमरों की भीड़ लग जाती है। यहाँ उनके पास बहुत ही कस्टमर आने लगते हैं और बहुत ही पैसा आने लगता है। उनकी लालच इतनी बढ़ गई थी वो लोग रेट भी बढ़ाने लगे थे मीट के। अब अगले दिन ये लोग विली नाम के एक लड़के को फंसाते हैं और उसे काट नहीं जाते हैं। तभी विली को पता चल जाता है इनसे विली को खतरा है, इसी कारण से विली भागने लगता है। लेकिन वो एक हार्ट का मरीज था, इसी कारण से वो हार्ट अटैक से ही मर जाता है। इसे सोफी और विंसेंट का काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अब अगले दिन विंसेंट और सोफी मार्क के घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन यहाँ जो मीट है ये मीट विंसेंट लाया था और इस मीट को खा के स्टेफनी और मार्क बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ विंसेंट अपने पैसे का शो ऑफ कर रहा था जैसे कभी स्टेफनी और मार्क किया करते थे। यह मार्क को खाते हुए मीट से एक पेसमेकर मिलता है, दरअसल ये मीट ह्यूमन मीट था। यह मार्क को संदेह हो जाता है, इस बात को लेके उन दोनों में बहस हो जाती है और बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उनकी हाथापाई भी हो जाती है। लड़ाई चलने के दौरान विंसेंट मार्क के कान को काट के चबाने लगता है, जिसे देख के मार्क और स्टेफनी बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। और यहाँ इनको शक ना हो इसी कारण से विंसेंट उस कान को नहीं खाता, उसे चबा के फेंक देता है। अगले दिन सोफी और विंसेंट एक वीगन मेले में जाते हैं अपना नया शिकार ढूंढने। और यहाँ विंसेंट एक बच्चे को देखता है जिसे देख के ही उसकी जीभ में पानी आ रहा था। वो उस बच्चे की मीट को खाना चाहता था, लेकिन विंसेंट अपने लालच को रोकने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ उनसे मुलाकात अपनी जमाई और बेटी से होती है। यहाँ लुकास ये देख बहुत ही शौक था, ये बुचर लोग वीगन्स मेले में क्या कर रहे हैं।
लुकास को बहुत ही गुस्सा आता है और वो विंसेंट को गाली बकने लगता है और उसे बुचड़ भी जोर जोर से कह रहा था। और यहाँ इनकी झमेले को एक इंसान बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। दरअसल ये इंसान वही वीगन्स टीम का मेंबर है जिन्हें बुचड़ से बहुत ही नफरत थी। और इसके साथ ही मिलके विंसेंट ने मार्ट का शॉप भी तोड़ा था। अब जब ये घर लौट रहे थे तभी इन्हें रास्ते में एक ब्लैक गर्ल दिखती है और वो उस लड़की का भी हंट कर लेते हैं। अब रात को विंसेंट उस लड़की की बॉडी को काट रहा होता है। तभी वहाँ वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो अक्सर ही विंसेंट से ह्यूमन मीट खरीदा करता है। यहाँ वो ऑफिसर बताता है हाल ही में बहुत ही इंसान गायब हो रहे हैं, इसी कारण से मेरा काम बहुत ही बढ़ गया है और मैं दिन में तुम्हारा मीट खरीदने नहीं आ पा रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा मीट मिलेगा? अब उनकी बातें चल ही रही थी तभी विंसेंट का टॉकी उस लड़की का कटा हुआ हाथ को लेके बाहर आता है। इसे देख के लगभग विंसेंट की जान ही निकल जा रही थी। वो बहुत ही डर जाता है। वो एक पल तो ये सोचता है आज वो गया, लेकिन तभी वो तरकीब लगाता है और उस ऑफिसर को कुछ भी करके वहाँ से भगा देता है। अब अगले सीन में विंसेंट ऑफिसर कहता है मुझसे अभी ये काम नहीं होगा, मैं धीरे धीरे साइको बनता जा रहा हूँ। आज मैंने मेले में एक बच्चे को देखा जिसे देखते ही उसे खाने का मन मुझे किया, मैं एक दरिंदा बनते जा रहा हूँ, मुझसे अभी ये काम नहीं होगा। लेकिन सोफी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और आखिरकार उसे मना ही लेती है। तभी वहाँ उनके घर उनका दामाद आता है लुकास। यह लुकास कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मेले में मैंने जिस हरकत को किया वो बहुत ही शर्मिंदगी का काम है। और यहाँ सोफी लुकास से क्लोज होने लगता है और उसे रिलैक्स करने लगता है। और यहाँ विंसेंट समझ जाता है सोफी लुकास से इतना फ्रैंक हो रही है इसका मतलब वो उसे मारना चाहती है। इसी कारण से विंसेंट लुकास को वहाँ से भगा देता है। अब अगले दिन उनके शॉप में बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं जिन्हें वही इरानियन पोर्क चाहिए था, मतलब वो ह्यूमन मीट। यह विंसेंट कहता है वो मीट नहीं है और कभी भी वो मीट नहीं मिलेगा, हमने अब से वो मीट बेचना छोड़ दिया है। यह सुन के सारे ग्राहक बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यह सोफी कहती है तुम एक नामर्द हो जो अपने फैमिली का पेट नहीं भर सकता, तुम्हारी वजह से हमारी हालत फिर से वैसी गरीबी में आ जाएगी। यह सुन के विंसेंट को बहुत ही बुरा लगता है और वो जाने लगता है। और विंसेंट के जाने के बाद उनके वहाँ वही वीगन्स ग्रुप आ जाते हैं जिनके साथ मिलके ये लोग मार्क के शॉप को तोड़े थे। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है ये लोग भी बुचर से इनका भी मीट शॉप है, वो सोफी को उठा लेते हैं और उसे बहुत ही मारने लगते हैं। इसके बाद जब विंसेंट घर लौटता है तो उसे वीगन्स ग्रुप की वैन दिखता है और वो समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वही दिखाया जाता है जब वीगन्स ग्रुप के लोग सोफी को जान से मारने वाले थे तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है और विंसेंट उन पे हमला कर देता है। और इसी लड़ाई में विंसेंट खुद भी घायल हो जाता है। वही सोफी भी अपने हाथ को छुड़ा लेती है और आखिरी बंदे को भी मार डालती है। भले ही यहाँ सोफी और विंसेंट की जान बच गई हो लेकिन पुलिस के हाथ से उनकी जान नहीं बचती। पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें उम्र भर की कैद की सजा सुनाई जाती है। और पुलिस को बताया था स्टेफनी और मार्क ने, उन्हें उसी दिन से शक हो गया था जिस दिन विंसेंट ने मार्क के कान को काट के चबाया था। और यही पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।